स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मेडिकल टिप्स में। आज हम आपके लाएँ स्वादवर्धक कैप्सूल। इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, आपको कैसे इस्तेमाल करना है, इसे कौन सी कंडीशन में इस्तेमाल करना है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या डोज़ है इसकी और कितनी MRP का मिलता है, इसे कौन सी कंपनी बनाती है, सब बताएंगे। यदि आप अगर मोटा होना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख लें, आपको देख आपके फ़ायदे की वीडियो है। जो लोग कमज़ोर वगैरह हैं, जो खाना खाते हैं तो खाना लग नहीं पाता है उनके लिए, गालों में गड्ढे पड़े हुए हैं तो उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाली। वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। ये बेस्टा कंपनी का स्वादवर्धक कैप्सूल आता है, मार्केट में मिल जाता है बहुत आसानी से। इसकी जो MRP होती है 52 रुपये, यानी कि आपको 52 रुपये का मेडिकल स्टोर 20 कैप्सूल का स्टेप मिल ले सकते हैं। 20 कैप्सूल का ये पत्ता होता है, मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं, बहुत आसानी से मिल जाता है। ये कैप्सूल ऐसा है कि हर मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल मिल जाएगा, आपको ले सकते हैं। इसके बेनिफिट की बात कर लेते हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट। अगर आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल करेंगे तो आपके ऐसे गाल पिचके हुए हैं, आपको भूख नहीं लग रही है, आप मोटे नहीं हो रहे हैं, आप अगर खाना खा रहे हैं तो आपको खाना लग नहीं पा रहा है, तो ये प्रोटीन का काम करता है बॉडी में जाके। ये हेल्थ सप्लीमेंट है, आपकी बॉडी को बनाएगा, मतलब कमज़ोरी आती है शरीर में, कमज़ोरी दूर। खाना खा रहे हैं, आपका खाना जो पच नहीं पा रहा है वो खाने को पचाएगा। इसमें काफ़ी जड़ी बूटी मिलाई गई है फ्रेंड। ये ग्लो है, कर्टिका है, अर्जुन है और शिलाजीत है, केसर है, शतावरी है, अश्वगंधा है और लोहा भस्म है। काफ़ी जड़ी बूटी मिलाई गई हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, ये देख सकते हैं पूरा ये रेफर दिया गया है इसका, काफ़ी जड़ी बूटी मिलाई गई है इसमें, तो इस कैप्सूल को बनाया गया है। ये उन लोगों के लिए बहुत लाभदायक कैप्सूल है जो लोग कमज़ोर वगैरह हैं, जो मतलब दुबले पतले लोग लगती है, या जो अपने खाना खा रहे हैं तो खाना उनको लग नहीं पा रहा है, वो लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कैप्सूल है। इसकी हम डोज की भी बात करेंगे। लेडीज़ होती हैं, लड़की होती हैं, वो भी कमज़ोर होती हैं, दुबली पतली होती हैं, टेंशन की वजह से खाना खा नहीं पाती हैं, खाना खाती हैं तो लगता नहीं है, चिड़चिड़ापन रहता है उनके लिए, तो बहुत उनके लिए भी काफ़ी बेहतर कैप्सूल है। ये कैप्सूल स्वादवर्धक ऐसा है, आपके परिवार में कोई भी कैप्सूल खा सकता है, ऐसे बच्चे भी खा सकते हैं, लेडीज़ भी खा सकती हैं, जेंट्स भी खा सकते हैं, इस कैप्सूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस कैप्सूल का इस्तेमाल करने से पहले आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह ले लें इस कैप्सूल के बारे में, फिर उसके बाद इस कैप्सूल का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके भी साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं, वो भी हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। लास्ट में इसकी डोज की बात कर लेते हैं फ्रेंड। एक कैप्सूल सुबह खाना खाने के आधा घंटे के बाद लेना है, ऐसे शाम को खाना खाने के आधा घंटे के बाद लेना है। ये आप कमज़ोर हो रहे हैं, दुबले पतले हैं तो आपको मोटा कर देगा ये कैप्सूल और बहुत जल्दी आपको वजन बढ़ाएगा। ये आप देख सकते हैं 7 से 8 दिन के अंदर, 7 से 8 दिन में रिजल्ट देख लेंगे। आप लग कैप्सूल का इस्तेमाल करेंगे तो आप मोटे हो जाएंगे। मोटे होने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी सही हो जाएगी। ये हेल्थ सप्लीमेंट है, इसका काम होता है बॉडी में प्रोटीन की जो कमी हो जाती है, खाना जो हमारा खाना खाते हैं तो हमारी इतनी आंतें जो होती इतनी कमज़ोर हो जाती हैं, खाने को पचा नहीं पाती। जब खाना नहीं पचा पाएंगी तो जब खाना पचेगा पेट में, जब तभी तो प्रोटीन मिलेगी अपने शरीर को, खून बनेगा, खून बनेगा तो मोटे पड़ोगे, चेहरा ग्लो होगा और चेहरे पे निखार आएगा। जब खाना नहीं पचेगा तो आपको चेहरा निखार कहाँ से आएगा, चेहरे में मोटापन कहाँ से आएगा, आपको हाथ पैर कमज़ोर रहेंगे और कमज़ोरी लगेगी बहुत ज़्यादा। जब खाना बॉडी में लगेगा तभी तो आप सही होगे। तो अगर आप भी दुबले पतले लोग हैं तो आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कमज़ोर लोग हैं जो इस्तेमाल करने का तरीका, सुबह खाना खाने के आधे घंटे के बाद एक कैप्सूल लेना है इसमें से, और शाम को खाना खाने के बाद लेना है, सुबह शाम लेना है। 7 से 8 दिन के अंदर रिजल्ट देख लेंगे आप, बहुत ही बेहतरीन। इस कैप्सूल को आप लगातार 3 महीने तक खाएंगे तो आपकी बॉडी बन जाएगी। बॉडी बनने का मतलब ये, शरीर जो दुबला पतला है वो सही हो जाएगा, जो कमज़ोर हैं आपको सही हो जाओ, वजन जो है बढ़ जाएगा आपकी। आप अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप वजन कर लें, वजन करने के 1 महीने के बाद देखें आपका फिर वजन कितना बढ़ जाता है, 4 से 5 किलो वजन बढ़ा देता है 1 महीने के अंदर अंदर, लेकिन लगातार इस्तेमाल करना है आपको तो। और ये कोई एस्टेरॉइड दवा नहीं है फ्रेंड। आजकल चल देखा गया है कि बहुत से लोग मोटा होने के चक्कर में एड्स वगैरह काफ़ी देखते हैं, या काफ़ी पेपर वगैरह वो गलत कदम उठा देते हैं, वो ये नहीं सोचते हैं कि हमारी बॉडी पे असर क्या होगा। एस्टेरॉइड दवा ले लेते हैं काफ़ी, उस अंग्रेज़ी सिरप वगैरह आते हैं वो ले लेते हैं काफ़ी भूख बढ़ाने के, लेकिन वो भूख तो बढ़ाते हैं लेकिन उस लीवर डैमेज कर देते हैं फ्रेंड। इसलिए डेक्सोना टैबलेट वगैरह आती है वो नहीं लेना बिल्कुल भी, और जो सिप्लाटिन वगैरह टैबलेट होती हैं, डेक्सोना टैबलेट है, ज़्यादातर नॉर्मली लोग खाते हैं ज़्यादातर मोटे होते हैं, वो उस टैबलेट का काम होता है लीवर का मुँह जो होता है बढ़ा देती है, लीवर का मुँह बढ़ जाता है, लीवर का मुँह बढ़ जाएगा, आकार जो लीवर का बढ़ जाएगा, तो आप जब तक खाएंगे जब तक असर रहेगा, आपको लगेगा मोटे होगा, लेकिन मोटे नहीं होगा, जो खून होता है उसका पानी बना देती है, बिल्कुल फ्रूट बना देती है, आपको लगता है कि फूल गए, आपको लगता है कि मोटे हो रहे हैं, तो मोटा नहीं करती वो जो डेक्सोना टैबलेट होती है फ्रेंड, जैसा कि आप लेते हैं उससे, तो वो मोटा नहीं करती शरीर को, वो शरीर के गाल फुला देती है, पेट फुला देती है बस,
और कुछ नहीं करती, लेकिन उसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, आपकी डेथ होने का खतरा रहता है उससे अगर आप ज़्यादा लंबे समय तक उसका इस्तेमाल करेंगे, डॉक्टर की सलाह नहीं लेंगे और 10-10 5-5 टैबलेट लोग खाते हैं एक टाइम में, तो वो उससे बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है। कोई भी दवा है दवा की लिमिट से लेंगे तभी वो काम करेगी, तो लिमिट से पार करेंगे तो आपको नुकसान। ये दवा नहीं मिलाई गई है, कोई एस्ट्रॉयड नहीं है, ये सब देसी दवाई से बनाया गया है इस कैप्सूल को। अगर आप दुबले पतले लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, खाना आप सही तरीके से खाना नहीं खा पाते हैं, आपका खाना पच नहीं पाता है, पाचन क्रिया को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, खाने को पचाता है, और सुबह को जिन लोगों की लैट्रिन वगैरह फ्रेश नहीं आ पाती है, मतलब लैट्रिन खुल के नहीं आ पाती है, तो उनकी लैट्रिन भी खुल कर आती है इस कैप्सूल को लेने के बाद खुल गया। तो फ्रेंड अब इसके साइड इफेक्ट की बात कर लेते हैं, इसके साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलेंगे। जैसे आप इस कैप्सूल को लेंगे तो उसका पहली बात तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, इसकी वजह हार्मोन चेंज होने की वजह से थोड़े साइड इफेक्ट देख कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। कुछ जो जड़ी बूटी मिलाई गई है बहुत से लोगों के लिए सूट नहीं करती है बॉडी पर, हर किसी का बॉडी एक सी नहीं होती, हर किसी का शरीर जो होता है एक सा नहीं होता है, तो कॉमन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं। आपकी बॉडी में ईचिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, या आपके पिंपल्स निकल सकते हैं चेहरे पे, या आपके खुजली वगैरह पड़ सकती है, रोडैट हो सकती है, या आपका पेट ख़राब हो सकता है, लैट्रिन बार बार आ सकती है और चक्कर वगैरह आ सकते हैं। कर लेते हैं किन लोगों को कैप्सूल ले लेना चाहिए, जो हार्ट की प्रॉब्लम होती है, जिन्हें जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, और जो मतलब लीवर किडनी, तो वो इस कैप्सूल को ना लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अगर वो लोग अगर इस कैप्सूल का इस्तेमाल करें तो वो डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल करें, वैसे इस्तेमाल ना करें। कैप्सूल को खाने के बाद ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइव ना करें, क्योंकि ड्राइव करने समय आपको नींद वगैरह आ सकती है, क्योंकि ब्लड प्रेशर थोड़ा सा लो कर सकता है कैप्सूल, इसलिए अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइव करते समय इस कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें। अगर आप ड्रिंक वगैरह कर रहे हैं या आप अल्कोहल का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं तो इस कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें। प्रेगनेंसी लेडीज़ होती हैं तो प्रेगनेंसी के टाइम इस कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं करना है। जो महिलाएं अपने बच्चों को दूध वगैरह देती हैं तो वो भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इस कैप्सूल से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है उनके लिए। तो आज आपको पता चला स्वादवर्धक कैप्सूल कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसे क्या यूजेस हैं, इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं, कौन सी कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, कितने मतलब कौन से लोगों को लेना चाहिए, या कौन से लोग, पूरी जानकारी दी हमने आपको इस वीडियो में। इस कैप्सूल के बारे में बताया आपको, इसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, क्यों, कौन सी कंडीशन में इस्तेमाल करना चाहिए, सब पता। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड, उम्मीद करते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ में बेल आइकन को भी दबा। जानकारी वाली वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं अच्छी अच्छी दवाइयों की, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच सके, आप जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।